रैशनल वेव इक्वेशंस। आवर प्रॉब्लम इज ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड एंड फास्टन टू टू पॉइंट्स एल अपार्ट, मींस एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच एंड फास्टन किया गया है दो जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एल है। मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म y इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाय एल फ्रॉम विच इट इज रिलीज्ड एट टाइम t इक्वल टू जीरो। देन वी हैव टू शो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड एट टाइम t इज गिवन बाय y x t इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाय एल cos पाई सी t बाय एल। Here yxt is displacement at any point at any time t. We know that the vibration of a string is governed by one dimensional wave equation. That's why we write del 2y by del x square equal to 1 by c square del 2y by del t square. Ab hum log इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस को ऑब्टेन करेंगे। एज इट इज मेंशन्ड इन आवर क्वेश्चन कि स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड एंड फास्टन टू टू पॉइंट्स, दैट इज एंड पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग आर फिक्स्ड एट एनी टाइम टी। दैट्स व्हाई जो हमारा इस दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा वह जीरो के बराबर होगा, इसलिए लिया है मैंने वाई जीरो टी इक्वल टू जीरो एंड y l t equal to 0. These are our boundary conditions. Next, the string is released from rest. Rest से release किया गया है, velocity 0 होगी. Therefore, velocity del y by del t equal to 0 when t equal to 0. यह हमारा पहला initial condition हो गया. And also the string is displaced from its initial position and the displacement initial displacement is given to be yx0 equal to a sin pi x by l. ये हमारा दूसरा initial condition हो गया, means हम लोगों ने दोनों initial conditions और boundary conditions को obtain कर लिया है। From the previous discussion we may write yxt equal to this समेशन n इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई सी टी बाय एल इंटू साइन एन पाई सी टी बाय एल। प्रीवियस डिस्कशन मीन्स जो अभी हम लोगों ने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा है, जहां हमारा इक्वेशन अगर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई सी स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर होता था और कंडीशन जो हमारे दिए गए थे यू जीरो टी इक्वल टू जीरो यू ए टी इक्वल टू जीरो बाउंड्री कंडीशन हमारा वहां डेल यू बाई डेल एक्स टी इक्वल टू जीरो इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू जीरो ये हमारा इनिशियल कंडीशन था और यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स जो हमारा इनिशियल ये डिफ्लेक्शन था डिस्प्लेसमेंट था हमारा ये और ये इनिशियल वेलोसिटी थी। तो हमारा सॉल्यूशन होता था यू एक्स टी इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई सी टी बाय इंटू साइन एन पाई एक्स बाय ए, जहां मीन्स ये हमारा था पार्टिकुलर केस के पार्टिकुलर केस सेकेंड, इस केस से ही मैंने ये सॉल्यूशन लिखा है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब इस दिए गए प्रॉब्लम से जो हमारा प्रेजेंट प्रॉब्लम उससे कंपेयर करते हैं तो मुझे क्या दिखता है, कंडीशंस तो सेम है, जी एक्स यहाँ भी जीरो दिया गया है, जी एक्स मीन्स मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहां भी जीरो दिया गया था और जो ये कंडीशन हमारा है और जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारा दिया गया है ए साइन पाई एक्स बाय एल के बराबर और ए हमारा एल के बराबर है, इसलिए हमने मैंने डायरेक्टली इस रिजल्ट को ही इस रिजल्ट को ही मैंने यहां यूज किया है और वाई एक्स टी को लिखा सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई सी टी बाय एल साइन एन पाई एक्स बाय एल। बट आप लोग को अगर ये पूछा जाए तो पूरे रिजल्ट को जो हमारा ये प्रोसेस है इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है दिए गए प्रॉब्लम के लिए तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा।
और हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया गया, सॉरी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया गया ए साइन पाई एक्स एल बाय एल के बराबर, इसलिए इक्वेशन वन में जब हम टी इक्वल टू जीरो रखते हैं तो मुझे मिलता है सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी ए एन, यहाँ आप टी इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इसका वैल्यू वन के बराबर हो जाएगा, इसलिए ए एन साइन एन पाई एक्स बाय एल यह इसके बराबर है। जब कंपेयर करते हैं तो एन का वैल्यू ए के बराबर हो गया और एन वन के बराबर, देयरफॉर हम लिख सकते हैं वाई एक्स टी इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाय एल कॉस पाई सी टी बाय एल, जो मुझे प्रूफ करना था।